कहते हैं जिंदगी एक मेला है, जिंदगी एक मेला है तो क्यों एक ही चीज पर अटके पड़े हो। मेले में घूमो, टहलो और तरह तरह की चीजों का आनंद लेते रहो। कोई जरूरी है एक ही खिलौने पर आपकी निगाहें टिकी रहें और जिद करो कि वही खिलौना लेना है। अब घूमो तो सही मेले में, अब चलो तो सही मेले में, क्या पता कोई और खिलौना आपको पसंद आ जाए। कहने का आशय यह है कि सब कुछ अनुभव लेते चलो जीवन में, ये जिंदगी का मेला है, तो मस्त रहो स्वस्थ रहते हुए। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कहते हैं कि जिंदगी एक मेला है, ठीक है मेला है मान तो हम लेते हैं, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ यह क्यों नहीं मानते कि अगर मेला है तो मेले में हमारे पास बहुत स्कोप होता है। हम घूम सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं, हम चीज़ों को परख सकते हैं। चीज़ें हमें नई नई दिखाई देंगी जो हमने कभी नहीं देखी होंगी, वो भी दिखाई देंगी। जो हमने बार बार देखी हैं वो भी लुभाएंगी। लेकिन हमको क्या लेना है, पहले मेले में घूम तो लें। यानी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जिंदगी के जो अनुभव हैं, जिंदगी की जो ठोकरें हैं, वो अगर लगती हैं तो रुकने का नाम नहीं है, रुकने का नहीं है बिल्कुल भी। बढ़ते रहिए, चलते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने आप को मस्त रखते हुए। अगर जिंदगी मेला है तो मेले में भी क्या होता है, हम घूमते हैं ना, एक तरफ से शुरू करते हैं और पूरा मेला घूम के आते हैं, तब जाके हमें याद आता है कि अरे वो भी तो लेना है। या कहीं पर ऐसा होता है कि किसी एक जगह पर रुक के हम वो चीज़ पसंद करके ले लेते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ के पीछे टिके रहना नहीं, बस यही है जो है, यही है, मिल गया तो यही है, नहीं मिला तो सब कुछ ख़त्म है, ऐसा तो नहीं है मेले में। मेले में हो सकता है हमको एक चीज़ पसंद ना आए, तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता उनमें से कोई पसंद आ जाए। और ये तभी होगा जब हम चलकर सभी चीज़ों को देखेंगे। अगर हमें पहली बार में कोई चीज़ पसंद आ गया और उसके बाद वो सिर्फ एक ही है लेकिन उसमें थोड़ी सी खराबी निकलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेला ख़त्म हो गया है। मेला तो बड़ा है, उसे घूमेंगे तब मेले का आनंद हम लेंगे। उसी तरह से ज़िंदगी है, अगर हम कुछ करने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ी सी अड़चने आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई या ज़िंदगी ख़त्म हो गई या ज़िंदगी में अब आगे कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी में बहुत कुछ है और बहुत कुछ रखा हुआ है, बस चलते रहेंगे और लोगों से मिलते रहेंगे। हर मुकाम पर हमें नए लोग मिलेंगे, नई सीख मिलेगी, नए अनुभव मिलेंगे और नई नई चीज़ों को देखने का, सुनने का, करने का अवसर भी हमें मिलता रहेगा। वो तभी होगा जब हम किसी एक चीज़ पर जिद करके ना अड़े रहें। जिद करना ठीक है किसी चीज़ के लिए कि हमें ये पाना है, तो हम जिद करके अड़ जाते हैं कि पाना है, लेकिन अड़ना एक अलग चीज़ है। उस जिद को लेके आगे बढ़ना और उसके लिए काम करना, उसके लिए पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी जतन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना, वो एक अलग चीज़ है। तो क्यों ना मेहनत कर ली जाए शिद्दत से, जतन के संग और पूरे कमिटमेंट के साथ में, है ना, तभी तो जाकर हम उस चीज़ को पा सकते हैं, या हमने जो जिद की है कि ये हमको पाना है तो पाना है, वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन का मेला है, यहाँ हर कदम पर अलग चीज़ मिलेगी, हर कदम पर नया अनुभव मिलेगा। और जब कदम की बात करते हैं तो कहीं पर ठोकरें मिलेंगी और कहीं पर लोगों के कंधे भी मिलेंगे, लोग आपको कंधे पर चढ़ा लेंगे, उठा लेंगे और कहेंगे यही है बस जो है। लेकिन हमें पता है कि मंजिलें पैर जमी पर रखने से ही मिलती हैं, क्योंकि उनका सफ़र इस ज़मीन से होके गुजरता है, इस धरा से होके गुजरता है मंजिलों का सफ़र भी। भाई अगर कोई कहीं पर शिखर है तो वहाँ तक जाने का भी तो रास्ता होगा, और वो रास्ता कहाँ से होगा, वो हवा में नहीं। अगर चढ़ाई करनी है तो हमें चल के जाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना होगा। तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी का मेला है, यहाँ रौनक है, लगी हुई है, इसे देखिए, इसे समझिए, इसमें घूमिए, चलते रहिए, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, मिल रही हैं, उनका आनंद लो, बढ़ते चलो आगे। और जो भी आपको जहाँ पर भी कठिनाइयाँ मिलती हैं, बस ये समझ लो ये दुकान नहीं तो फिर कोई और दुकान से ही कुछ और देखते हैं। इस तरह से खुद को मायूस ना होने दें, चलते रहें
और निरंतर जीवन के इस मेले में आगे बढ़ते रहें, और चाहे आप कितनी भी मुश्किलों में पड़ जाएं, घिर जाएं, लेकिन आस नहीं छोड़नी चाहिए और मेले का पूरा आनंद लेते हुए चलते रहें।